कैलाश सिंह चड्ढा लगातार फ्लॉप हो रही है और फिल्म को लेकर काफी विवाद भी है। इसी बीच लगातार मुसीबत में होने के बाद आमिर खान के लिए एक अच्छी खबर है, लाल सिंह चड्ढा की डील पक्की हो गई है। नेटफ्लिक्स ने कम कीमत पर खरीदे OTT राइट्स, 8 हफ्तों बाद ये रिलीज होगी। कभी आमिर खान की फिल्मों का लोगों को बेसब्री से इंतजार रहता था, पर ये 2022 है और कोरोना काल के बाद सब कुछ बदल गया है। आमिर खान की फिल्म पूरी तरीके से फ्लॉप हो चुकी है। रिपोर्ट्स है कि आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा को इसका OTT बायर मिल गया है। कहा जा रहा है कि इसे नेटफ्लिक्स ने खरीद लिया है, लेकिन कम डील में। पहले रिपोर्ट्स थी कि नेटफ्लिक्स आमिर खान की फिल्म को खरीदने के लिए एक्साइटेड था। मेकर्स ने नेटफ्लिक्स के सामने 150 करोड़ की डील रखी थी, पर नेटफ्लिक्स को ये डील ज़्यादा लगी थी और 80-90 करोड़ में बात पक्की हुई थी, मगर बॉक्स ऑफिस पर फेलियर के बाद डील 50 करोड़ पर आ गई है। जी हाँ, इस बीच खबर आई है कि नेटफ्लिक्स ने लाल सिंह चड्ढा को लेकर हुई डील कैंसिल कर दी थी। उधर मेकर्स ने दूसरे डिजिटल प्लेटफॉर्म को तलाशा और वूट के साथ 125 करोड़ में डील कन्फर्म की, लेकिन फिर कहानी में बड़ा ट्विस्ट आया। बॉलीवुड हंगामा के रिपोर्ट के मुताबिक लाल सिंह चड्ढा के मेकर्स और नेटफ्लिक्स में एक बार फिर से बातचीत हुई। दोनों पार्टियों ने नुकसान की बजाय डील से होने वाले फायदे देखे। आमिर को नेटफ्लिक्स से ग्लोबल रीच मिलेगी, वहीं OTT पर आने से फिल्म के ओवरसीज बिजनेस को भी फायदा होगा।